नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। खोज खबर में हम चर्चा करते हैं ऐसी खबरों की जो देश के लिए, हमारे आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे समय जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम PSUs को कौड़ियों के दाम पर बेचने को सरकार उतारू है, हजारों नौकरियों पर छटनी की मार चल रही है, रेलवे BSNL कर्मी निजीकरण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई सड़कों पर चला रहे हैं, सूखे की मार से खेती कराह रही है और देश के कुछ हिस्से भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं, सैकड़ों भारतीय नागरिकों की जाने जा रही हैं, लेकिन हम पाते हैं कि इन पे चर्चा बहुत कम है या यूं कहिए कि बिल्कुल नहीं है। इन संकटों पर आम भारतीय नागरिक का ध्यान बिल्कुल ना जाए, इसका बीड़ा उठा रखा है भारत को उग्र हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मिशन में लगे अनगिनत संगठनों ने। इनमें कुछ संगठन नाम हमें पता है, कुछ अनाम है, कुछ रोज पैदा हो रहे हैं और ये लोग बेवजह चर्चा में बने रहने के लिए स्टंट करते हैं। ऐसा ही स्टंट इन दिनों सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ है। YouTube पर एक गाना चल रहा है, जो ना बोले जय श्री राम भेज दो इसको कब्रिस्तान। सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हत्या का ऐलान करने वाले इस गाने को खूब प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। आलम यह है कि खुले आम शिव भक्त कांवड़ भी इसे गाना गा रहे हैं, इसके मोबाइल पे बजा रहे हैं। ऐसे ही एक झुंड से जब मैंने बात करने की कोशिश की, उनका गाना रिकॉर्ड करने चाहा, उन्होंने सीधे सीधे उतरकर धमकाते हुए मुझे कहा, कब्रिस्तान जाना है क्या? यानी ये जो पूरा एक आतंक का माहौल कि कोई भी जो विरोध में बोले उसे निपटा देना है, ये प्रवृत्ति स्टूडियो से लेकर सड़कों तक पहुंच रही है। इस गाने को बनाने वाली जो पूरी टीम है, जो व्यक्ति जिसने लिखा, जिसने इसे गाया, फेसबुक पर पूरी दबंगई के साथ उसने विरोध करने वालों को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, हिंदू विरोधी, न जाने क्या क्या कहा और खुलकर कहा कि मीडिया में जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें देख लिया जाना चाहिए। यह आपराधिक मानसिकता नई नहीं है, लेकिन अब सिर चढ़ के बोल रही है और उसकी ठोस वजह है सत्ता में बैठे लोगों का पूरा बेशर्म समर्थन मिला हुआ है। जय श्री राम के नाम पर देश भर में जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसके खिलाफ देश भर की जानी मानी 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र लिखने वाले हस्तियों में फिल्मकार अनुराग कश्यप, मणि रत्नम, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, अभिनेत्री कोंकणा सेन सहित बहुत लोग शामिल हैं। पत्र के अनुसार जनवरी 2009 से लेकर 29 अक्टूबर 2018 के बीच धर्म की पहचान को आधार बनाकर अब तक 254 हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं और मई 2014 जी जब से मोदी की पहली सरकार आई तब से लेकर अभी तक ऐसे 90% मामले दर्ज किए गए हैं, यानी इतना इजाफा उनमें हुआ है पिछले 5-6 सालों में। इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो फिल्मकार हैं अदूर गोपाल कृष्णन, जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किया और इसके ऊपर खुलकर बोला, लगातार वो बात भी कर रहे हैं कि इस तरह की लिंचिंग इस लोकतांत्रिक देश में गवारा नहीं है, उनके खिलाफ भाजपा के जो नेता हैं जिनका नाम है बी गोपाला कृष्णन, उन्होंने जो कहा उससे लगता है कि कितना वरदहस्त्र हासिल है इस तरह की सोच को। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर तुम्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है तो तुम चांद पर जाओ। यानी अब ये जो ब्रिगेड है, जो उग्र हिंदू भगवा ब्रिगेड है, वह पाकिस्तान के अलावा चंद्रयान, क्योंकि चांद की तरफ जा रहा है, तो वो सीधे सीधे चांद पर भेजने का सिलसिला भी शुरू करने वाली है। कुछ चीजें, खबरें अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिपेक्ष में हो रही हैं, लेकिन ध्यान से देखिए तो उनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, वे आपस में जुड़ी हुई हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अभी हाल में ही 1996 के समलेटी ब्लास्ट केस में 23 साल तक जेल में जो बंद रहे आरोपी, उन्हें बेगुनाह माना और कहा कि इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्हें रिहा किया गया। ये पांचों श्रीनगर के रहने वाले हैं। इनमें शामिल हैं लतीफ अहमद वाजा, अली भट्ट,
मिर्जा निसार, अब्दुल गोनी और रईस बेग। इनमें से रईस बेग की गिरफ्तारी सिर्फ 16 साल की उम्र में हुई थी। इन 23 सालों में इनमें से किसी को भी जमानत तक नहीं मिली थी। इनकी गिरफ्तारी 22 मई 1996 में राजस्थान के दौसा के समलेटी गांव के पास एक बस में हुए बम ब्लास्ट के मामले में की गई थी, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। इन पांचों के पास अपने ऊपर बीती नाइंसाफी को बताने के लिए लंबी दर्दनाक दास्तान है। लतीफ ने कहा कि मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे माफी मांगेंगे, क्या वे मेरे सारे साल लौटाएंगे जिसमें मैंने अपने परिजनों को खोया है। नहीं ना, लेकिन क्या मीडिया सीखेगा इससे? सवाल सिर्फ इस केस का नहीं है। 2 साल पहले दिल्ली की अदालत ने 2005 में राजधानी में हुए बम धमाकों के आरोपी मोहम्मद हुसैन पाजिल और मोहम्मद रफीक को सारे आरोपों से बरी किया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 अहमदाबाद टिफिन बम ब्लास्ट के केस में 4 मुसलमानों को रिहा किया 14 साल जेल में बंद रखने के बाद। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 का जो अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था उसमें जितने आरोपी पकड़े गए थे सबको जिस तरह से रिहा किया था, जो लिखा था, क्या उसे भूला जा सकता है? उसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से इन लोगों को फंसाया गया है। मालेगांव बम ब्लास्ट में भी पकड़े गए लोग और खास तौर से नरुल होदा की जो पूरी जिंदगी बर्बाद हुई, जिसमें वो बार बार कहते रहे कि किसी की भी कोई जवाबदेही नहीं है, ये सारे ऐसे मामले हैं जो दिल को दहलाते हैं, जो कम से कम यह सवाल तो उठाते हैं कि इन तमाम मासूमों की जो जिंदगी तबाह हुई, इतने साल बेकसूर होने के बाद भी जेल में उन्हें काटने पड़े, जिस दौरान उनके परिजन या तो फना हो गए या तो दर दर की ठोकरें खाते रहे, और एक जो समाजी टैबू उनके ऊपर था कि आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, ये सारा कुछ जो उस समय चल रहा था, इसके लिए जवाबदेह कौन? यह सवाल आज की तारीख में बहुत ऊपर उठकर आना चाहिए कि इस तरह के जो मामले होते हैं जिसमें लोगों को एक के बाद एक बम ब्लास्ट, कहीं कोई षड्यंत्र के मामले में फंसाया जाता है, और जब वो रिहा होते हैं उसमें किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। ठीक इसी समय देखिए देश की संसद क्या कर रही है कि एक तरफ तो एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि मामलों में जिनको पकड़ा गया वो बेकसूर साबित हो रहे हैं, वहां पर जो गुनहगार हैं जिन्होंने उनको जेल में बंद किया उन पर कार्रवाई करने के बजाय दूसरे ढंग का एक खौफनाक माहौल बनाया जा रहा है। यहां पर साबित किया जा रहा है कि जो लोग अभी तक पकड़ से बाहर थे उनको भी किस तरह से पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ भी मनमानी ढंग से गिरफ्तारियां की जा सके। इसके लिए देश की संसद UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में तब्दीली कर रही है। अभी तक किसी संगठन को आतंकवादी घोषित किया जाता था, अब जो चेंज कर रहे हैं, जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, जो संशोधन कर रहे हैं, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कोई ड्यू प्रोसेस अख्तियार किए आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यह तब्दीली वह सरकार ला रही है जिसके पास प्रचंड बहुमत है, जिसके पास सारी सत्ता केंद्रित है। ऐसे में ये कानून जिस तरह से एक्टिविस्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जिस तरह से माइनॉरिटी राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की जा रही है। इस पर जो रिपोर्टिंग हो रही है वह अपने आप में बहुत परेशान कुन है। हालांकि कुछ अखबारों ने यह ज़रूर कहा है कि इस तरह का जो एक बिल्कुल खुली छूट राज अपने पास ले रही है, इससे लोकतांत्रिक जो स्पेस है, जो डिसेंट है, जो विरोध में आवाज उठाने का अधिकार हमारे इस देश का कानून देता है, वह सब बाधित होगा, वह सब खत्म हो जाएगा। यह कुछ चंद घटनाएं हैं, ये चंद खबरें हैं जिन पर हमें सोचना, समझना, बात करना और मुझे लगता है आवाज उठाना बहुत ज़रूरी है। हमारा यह सिलसिला जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।